हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। तो यार, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप जापान आना चाहते हैं, जापान आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो जापान गवर्नमेंट कौन कौन से वीजा प्रोवाइड करती है फॉरेनर के लिए, जो कि आप वो वीजा लेके यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, या फिर पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी दिल करता है वो कर सकते हैं। तो कौन कौन से वीजा है वन बाय वन बताऊंगा, थोड़ी सी उनके बारे में डिटेलिंग में बताऊंगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और एक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जो कि थोड़ा सा इजी मुझे लगता है, वो है स्टूडेंट वीजा। अब स्टूडेंट वीजा मतलब कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आ सकते हैं, जैसे मास्टर डिग्री होती है, या फिर आप यहाँ पे जैपनीज लैंग्वेज सीखने के लिए आ सकते हैं, जो कि मिनिमम 1 ईयर का होता है और 2 ईयर तक आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वोकेशनल कॉलेज होते हैं, उन पे पढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट वीजा यहाँ पे लेके आ सकते हैं और ये आप इसको वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या तो अगर आपने इंडिया से कम्प्लीट किया तो अच्छा है, अगर इंडिया से कम्प्लीट नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे जापान में आके जैपनीज लैंग्वेज खत्म होने के बाद उसके बाद 2 साल का वोकेशनल कॉलेज होता है वो ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह में जा सकते हैं, उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा है वो है वर्क वीजा। ये वर्क वीजा देखो यार, इंडिया से अप्लाई करना मतलब कि इतना ज्यादा टफ भी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट, अगर आपकी कोई स्पेशल स्किल है, अगर आपको जैपनीज लैंग्वेज आती है तो आप डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, उनके कैरियर में जाकर अपना रिज्यूम पुट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी साइट है जो कि आप उनके थ्रू भी यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर एक लिंक्डइन है वहां पे आप प्रोफाइल बनाइए और उसको आप लोकेशन, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आपने प्रोफाइल बनाया बट वो इंडिया से पिक करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि आपने जो वहां की लोकेशन है ऐप में उसको जापान आपको सेलेक्ट करनी ना कि इंडिया, तो फिर आपको यहां से पुट करना स्टार्ट कर देंगी कंपनी। आपकी कोई ना स्पेशल स्किल होना चाहिए और जैपनीज लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छा होगा, और जैपनीज लैंग्वेज के साथ साथ अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। तो एक ये भी तरीका है जो कि आप वर्क वीजा अप्लाई करके आ सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो बहुत सारी कंसल्टेंसी है, आप उनके थ्रू जा सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा फ्रॉड वगैरह का शिकार ना हो, क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड करने में बैठे हैं, तो वो देख लेना आप, जब आपको लगे कि नहीं ये जेन्युइन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से लोग कंसल्टेंसी के थ्रू भी आते हैं। जो तीसरा है वो है टूरिस्ट वीजा, जिसे विजिटर वीजा भी बोलते हैं। तो मुझे काफी लोग पूछते हैं इसके रिलेटेड कि अगर विजिटर वीजा को क्या टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जरूर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका इनफ टाइम होना चाहिए, आपका 15 दिन या 20 दिन में काम तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, तो आपके पास विजिटर वीजा जो है वो कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए। आप 3 महीने के अंदर अगर जॉब सर्च कर लेते हैं जो CEO होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एक अगर आप यहाँ पे जॉब ढूंढ लेते हैं ना तो एक बार आपको कंट्री यहाँ से लीव करनी पड़ती है, क्योंकि जो वर्किंग वीजा की प्रोसेस होती है वो थोड़ा सी लॉन्ग होती है, बट अगर कंपनी आपके बिहाफ पे ना, अगर इमिग्रेशन पे अप्रोच करती है, अगर आपके बिहाफ पे उनसे बात करती है ना, तो वो जल्दी भी हो जाता है, बट ये बहुत रेयर होता है, कंपनी ऐसा जल्दी करती नहीं है, आपको कंट्री लीव करना पड़ता है एक बार जापान, फिर आप वहाँ अपने कंट्री से दोबारा आप वीजा वर्क वीजा के लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो टूरिस्ट वीजा भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इनफ टाइम होना चाहिए, या फिर अगर टाइम नहीं है तो आप जॉब सर्च कर लीजिए, एम्प्लॉयर मिल गए आपको, आप एक बार कंट्री जाइए, आप कंट्री से सारी प्रोसेस कर सकते हैं। अब जो फोर्थ है वो है वर्किंग हॉलीडे वीजा। तो ये वर्किंग हॉलीडे वीजा बता दो कि यार ये कुछ कंट्रीज के लिए जो कि इन्होंने एक स्पेशल प्रोवाइड कर रखा है उनको फैसिलिटी, जो कि यहाँ पे लिस्ट में दिखा देता हूँ, इन पे देख लेना, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। एक तो इंडिया के लिए एक दूसरा प्रोग्राम चलता है एज अ, जैसे कि जापान और इंडिया गवर्नमेंट का एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर टाइप का हुआ है, तो उसे बोलते हैं TITP। ये काफी पुराना है, बहुत टाइम से TITP प्रोग्राम चलता है, बट इस टाइम पे वो TITP को अपग्रेड करके वो SSW के नाम से हो गया है,
तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि TITP ही चल रहा है, SSW अभी जापान इंडिया से अब अप्लाई करने के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जो जापान में रहता है वो अप्लाई कर सकता है। तो SSW और TITP में सेम है, थोड़ा सा SSW थोड़ा सा स्पेशल स्किल वर्कर के लिए आ जाता है तो उसमें, लेकिन इंडस्ट्री वही होती है जो केयर टेकर होते हैं या जो फार्मिंग करते हैं या फूड इंडस्ट्री में जो जॉब करना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड होती है। TITP भी में सेम यही होता है तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि ये TITP के प्रोग्राम में आपको भेजते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप जापान आना चाहते हैं अगर TITP से रिलेटेड या SSW तो उसमें आपको एक जैपनीज लैंग्वेज का टेस्ट जो होता है वो पास करना पड़ता है और आप जिस स्किल पे यहाँ पे आ रहे हैं एक उसका भी एग्जाम होता है, वो अपनी लैंग्वेज में भी होता है तो वो इजिली पास हो जाते हैं, बट मेन होता है जैपनीज लैंग्वेज तो वो आपको पास करना होता है और यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाननी है तो मुझे बता देना, मैं इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा दूसरी वीडियो में, वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा। तो एक ये भी है जो तरीका जो कि आप इससे भी डायरेक्ट वर्क वीजा में यहाँ पे डायरेक्ट वर्क करने आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हाईली स्किल फॉरेन प्रोफेशनल वीजा। ये वीजा उन लोगों को मिलता है जो कि एक स्पेशल स्किल होती है जो कि हाई लेवल की होती है, बट ये एक ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं होता है। इसमें आपका ये टोटली पॉइंट बेस पे होता है, ये ज्यादातर इसमें जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है आपको उसमें डिपेंड करता है और एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है और आपकी किस कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, पोजीशन आपके किस लेवल पे जॉब करते हैं और जो मेन है वो जैपनीज लैंग्वेज आपकी कितनी अच्छी है, सैलरी भी कितनी अच्छी है, ये सब वेरी करता है। अगर जब आपकी ये सारी अच्छी चीजें होती हैं तब ये जाके आपके पॉइंट अच्छे होते हैं और ये वीजा आपको मिलता है और यहाँ आने के बाद आप किसी भी फील्ड में किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नहीं है तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जापान की इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके चेक करिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ये भी एक वीजा है जो कि आप जापान आने का एक तरीका है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीजा। जैसे कि ना जैपनीज कंपनी इंडिया में बहुत ज्यादा है तो अगर आप किसी जैपनीज कंपनी में जॉब करते हैं जो कि जापान में भी उनकी अगर ब्रांचेस हैं तो अगर मिनिमम वहां पे आपको 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए जॉब में जिस पोजीशन में आप करते हो, तो 1 साल के लिए अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी की अगर ये मतलब की चाहती है कि आप जापान जाके जॉब करें और अच्छे से स्किल सीख के जो कि आप इंडिया में यूज कर सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए होता है जो कि वो वीजा कंपनी सब कुछ करती है। इसमें एक चीज का बेनिफिट होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे जैसे जॉब चाहिए होती ना तो वो कम से कम ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इस वीजा में आपको ग्रेजुएशन की कोई नीड नहीं पड़ती है, कंपनी आपके बिहाफ पे इमिग्रेशन को यहाँ पे अप्रोच करती है और यहाँ पे जो उनकी ब्रांच है वहां पे भेजती है, फिर आप यहाँ से काम सीख के जाते हैं आप इंडिया में काम करते हैं। तो एक ये भी वीजा है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जैपनीज कंपनी इंडिया में बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि आप वहां पे ट्राई करिए, 1 से 2 साल कीजिए। और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं जो कि 3 से 4 साल के लिए आते हैं, बट हाँ एक ये फिक्स टाइम होता है इसका कि आप लॉन्ग टाइम तक ज्यादा नहीं रह सकते, मैक्सिमम यहाँ पे 3 ईयर या 5 ईयर तक यहाँ पे रह सकते हैं, उसके बाद आपको जाना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट आता है वो है बिजनेस मैनेजर वीजा। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है। काफी लोग आते हैं जो कि डायरेक्ट बिजनेस वीजा में आता है, बट इसमें डॉक्यूमेंटेशन वही चाहिए होती कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और अपने बिजनेस में कम से कम 5 मिलियन यानी 50 लाख यानी यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसमें आप सब कुछ ऊपर दिखा सकते हैं कि जब जो शॉप लेनी है या आपको जो भी बिजनेस करना है आप उसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वीजा की जल्दी से अप्रूवल मिलती नहीं है, बट आपको अगर चाहिए तो आप अपने बिजनेस में कितना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कितना सीरियस है, अब बिजनेस यहाँ पे करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना सीरियस है, अगर वो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना तो वो भी वीजा मिल जाता है। काफी लोग यहाँ पे करने भी आते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है PR जिसे परमानेंट रेजिडेंस बोलते हैं, और ये जापान की PR लेने के लिए बहुत लोग क्रेजी हैं यहाँ पे। तो PR का भी ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन वो PR जैसे दूसरी कंट्री में है वैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन होती है कि अगर आपकी यहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई चाइल्ड या फिर स्पाउस रह रहा है, वो ऑलरेडी PR होल्डर है या फिर सिटीजनशिप होल्डर है, तो उसमें अगर वो है तो आपको बहुत इजी मिल जाती है। या फिर अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और एक ही कंपनी में 6 से 7 साल लगा रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी पोजीशन अच्छी है, तो फिर आप यहाँ पे PR भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे PR भी मिल जाती है। बट मिनिमम आपका 6 से 7 साल आपका वर्किंग जो है जो जॉब है उस टाइम का पीरियड आपका काउंट होता है, ना कि आपका एजुकेशन
या स्टडी वगैरह का काउंट नहीं होता जो कि दूसरे कंट्री काउंट करती, पर यहाँ पे काउंट नहीं होता। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि जापान गवर्नमेंट फॉरनर के लिए वीजा प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे आके आप जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, नुकसान आप ही का है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, टेक केयर, जय हिंद। We'll be right back.